जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर में पूछे जाने वाले गणित एवं तर्क शक्ति के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसी पे आधारित आपके सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, द शैडो ऑफ वर्टिकल पोल इज अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट देन द सन एलिवेशन इज। ए, ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया उसकी ऊंचाई का अंडर रूट 3 गुना है, तो सूर्य की ऊंचाई क्या है। सिंपल सी बात है, ये देखिए, यदि सूर्य यहां है, ये हाइट हो गया, ये इसकी छाया हो जाएगी, तो हमें ये निकाल देना है। आप देखना, ये हाइट हो गया और ये आपका शैडो हो गया, ठीक है। तो ए बी सी हमने ले लिया। यहां पर आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट 3 टाइम्स एच, यही है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। आप देखिएगा, ये एंगल जो होगा, ये एंगल यहां पर हम टेन थीटा कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी, ठीक है। और यहां पर टेन थीटा इक्वल्स टू बी सी, बी सी कितना है एच, ए सी कितना है अंडर रूट 3 एच, एच से एच काट दो तो 1/√3 हो गया। टेन थीटा 1/√3 कितना होता है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है वह आपकी 30 डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो सूर्य की जो ऊंचाई है वह 30 डिग्री है, ठीक है, निकल के आ गया ना, है ना मजेदार। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 31 का, 31 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 32 आपको दिया गया है, अ सम बिकम 6 वोल्ट एट 5% पर एनम एट व्हाट रेट द सम बिकम्स 12 वोल्ट। एक राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो जाती है, तो किस दर पर 12 गुना हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मानते हैं मूलधन जो है, मूलधन पी मान लेते हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखिए, मिश्रधन 6 फोल्ड हो गया, ठीक है। तो मिश्रधन यहां पर आपका ए इक्वल्स टू 6p हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 6p माइनस p मूलधन, ठीक है। मिश्रधन माइनस मूलधन इक्वल्स टू ब्याज हो जाएगा, तो 5p हो गया। अब जब आपको साधारण ब्याज आ गया है, तो साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। पी से P कट गया, 5 से 5 कट गया, T इक्वल्स टू क्या हो गया, 100 ईयर, ठीक है। मतलब यदि मूलधन P है, तो मिश्रधन 6P कब होगा, 100 साल में। तो यहां पर आपसे क्या पूछा, 12 गुना पूछा है ना। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए SI जो यहां पर पहले निकालिए, SI यहां पर आपका निकल जाएगा, 12 गुना करना है, तो P आपका एक आ गया, तो SI सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर 11p, ठीक है, ये आपको आ गया। तो आप यहां पर रेट निकालना है, क्योंकि समय तो आपको आ गया ना, t इक्वल्स टू 100 ईयर और SI 11p, तो आपको रेट निकालना है ना। तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अब इससे ये कट गया, p से p कट गया, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11%। दर कितना निकल के आया, 11%, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 32 का उत्तर आपका D हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए, आपका 33वां दिया गया है, 0.15% ऑफ 33 इज टू 1/3% ऑफ 10,000 इज। देखिए क्या दिया गया है, 0.15%, तो इसको आप लिख सकते हो 15/100% इंटू 33:1/3, तो 100/3% इंटू 10,000। अब सबका प्रतिशत लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 15/100 इंटू 100 इंटू 100/3 इंटू 100 इंटू 10,000। लो, दो चार कट गया, इससे ये कट गया, क्या हो गया, 15/3 इक्वल्स टू 5 रुपीज, ए आपका उत्तर हो जाएगा, 33 का उत्तर ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए, 34 दिया गया है,
इफ एक्स परसेंट ऑफ 25 बाई 2 इज 150 देन वैल्यू ऑफ एक्स, 25 बाय 2 का एक्स परसेंट 150 है, ठीक है, यही कह रहा ना। तो ये हो गया 25 बाय 2 गुने एक्स बाय 100 इक्वल्स टू 150। तो देखिए 25 छका हो जाएगा ये आपका, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 गुने 2 गुने 100 बराबर 1200 निकल कर आपका चला आएगा। तो 1200 आपके सी में दिया गया है, तो 34 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 35 आपको दिया गया है, 5 बॉल्स फर्स्ट बिगेन टू टॉल टुगेदर एंड देन एट इंटरवल्स ऑफ 3 5 7 8 एंड 10 सेकंड्स, फाइंड आफ्टर व्हाट इंटरवल दे विल अगेन टॉल टुगेदर एंड हाउ मेनी डज दे टॉल टुगेदर इन 1 आवर। कहा जाता है कि 5 घंटियां हैं, ठीक है, या एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 3 5 7 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो ज्ञात कीजिए कि वह पुनः कब बजेंगे, ठीक है, और एक घंटे में कितनी बार बजेगी। तो देखिए सिंपल सा बात है, यहां पर एलसीएम निकाल लेते हैं, किस किस का, 3 5 7 8 और 10 का, तो ये 2 से भाग लग जाएगा, तो 3 5 7 4 5 हो गया, फिर 5 से भाग लग जाएगा आपका, तो 3 1 7 4 1 हो जाएगा, ये आपका हो गया 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 4, 10 गुने 21 गुने 4, क्या हो जाएगा ये आपका, ये आपका हो जाएगा 840 सेकेंड। 840 सेकेंड इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से भाग दे दो तो 14 मिनट हो गया, ठीक है, इसका मतलब कि 14 मिनट में फिर सभी घंटियां एक साथ बजेगी, तो 14 मिनट वाला आपका 2 उत्तर है, 14 मिनट 14 मिनट। अब कितनी बार बजेगी, तो एक घंटा में 60 मिनट और 14 मिनट बाद बजती है, तो देखिए 44 42, 14 चक्का 56, ठीक है, 14 चक्का 56, तो ये क्या होगा, 4 बार बजेगा, ठीक है, एक घंटा में 14 मिनट के अंतराल पर 4 बार ये सभी घंटियां बजेगी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। यहां पर दो क्वेश्चंस थे, एक कि कितने समय अंतराल बाद पुनः बजेगी और कितनी बार बजेगी, तो जब एक साथ पूछा गया तो आप जो है एलसीएम लेना और कितनी बार बजेगी इसके लिए समय के अनुसार भाग देना, सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे बढ़े, 36 आपको दिया गया है, हाफ ऑफ हियर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हेयर। कहा जा रहा है कि हिरन का एक झुंड है और उसका आधा हिस्सा मैदान चर रहा है, यदि मैं मानता हूं कुल संख्या x है, तो आधा हो गया x बाई 2 और x बाई 2 बचा रह गया, यही होगा, तो आधा हिस्सा 50-50, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि आधा हिस्सा तो घास चर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, लेकिन आधा का 3/4, ठीक है, दैट्स इक्वल्स टू 3x बाय 8 जो है यह आपका क्या कर रहा है, खेल कूद रहा है, ठीक है, यह खेल रहा है, प्लेइंग कर रहा है, प्ले कर रहा है, और 9 जो है यह पानी पी रहा है। तो लीजिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू x बाय 2 जो कि चर रहे हैं, और फिर 3x बाय 8 जो कि खेल कूद रहे हैं, और बाकी बचे 9 जो कि पानी पी रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, ये आपका हो गया x माइनस x बाय 2 माइनस 3x बाय 8 इक्वल्स टू 9, तो ये आपका हो गया 8, ये आपका 8x माइनस 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 इक्वल्स टू 72, कुल संख्या कितनी थी, 72 थी, कहां दिया गया है, सी में, तो 36 का उत्तर सी हो गया, है ना, बहुत ही आसान प्रश्न कर दिया ना सॉल्व। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए 37 दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। देखिए यदि रेडियस r रहता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, इतना ही होता ना,
अब यदि आप क्या करते हैं, त्रिज्या में 50% वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, ये आपका ओल्ड हो गया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिज्या आर प्लस आर बाय टू इतना वृद्धि हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3R/2। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपका हो जाएगा 3R/2 का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू पाई 9R² / 4, ये हो जाएगा। अब दोनों में अंतर देख लो, अंतर हो गया आपका पाई हटा दो तो 9R² / 4 - R², ये आपका हो गया 4 5R², ये अंतर हो गया, ठीक है, ये है अंतर। अब इसका परसेंट निकाल सकते हो, परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स टू 5R² / 4 × 1R² × 100। इससे ये कट गया, ये आपका 25 बार में कट गया, तो 25 × 5 = 125%, ये आपके ए में दिया गया है, तो 37 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े, 38 आपको दिया गया है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू बी सेल प्राइस विल बी। यदि कोई वस्तु 200% लाभ पर बेची जाती है तो उसके लागत मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। हम मानते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी जो है 100 रुपया है क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, तो यहां पर आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुने 100 + लाभ प्रतिशत, 200% है, 200% / 100, यही होता है ना, ये आपका हो गया 100 × 300/100, इससे इसको काट दो तो 300 निकल के आ गया, क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 300 रुपया, क्या पूछा, लागत मूल्य से उसके विक्रय मूल्य, तो लागत मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 300 रुपया है, तो 1:3 हो गया ना, तो 1:3 देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 38 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 39 क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 7√2 + 5 × 7√2 - 5 इज। आपने एक अलजेब्रिकल इक्वेशन पढ़ा होगा, a² - b² = क्या होता है, a + b और a - b, यही होता है ना, तो इस टर्म को जो ये टर्म दिया गया है इसमें डाल दो, तो ये हो जाएगा 7√2² - 5² तो ये आपका हो गया 49 × 2 - 25, क्या हो जाएगा 98 - 25 = 73, कहां दिया गया है, सी में, तो 39 का उत्तर सी हो गया, है ना मजेदार। इसलिए कहता हूं कि हर एक चीज आपको पढ़कर तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 40 आपको दिया गया है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट, इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर देन टाइम टेकन बाय कवर इट्स द सेम डिस्टेंस। देखिए बहुत ही सिंपल बात है, ये चीज ध्यान में रखना है, दूरी 10 किलोमीटर है और पहला टाइम दिया गया है, फर्स्ट टाइम जो है वह है 12 मिनट, दैट्स इक्वल्स टू 12/60, तो 1/5 आवर, ठीक है, तो पहले स्पीड क्या होगी, s1 = 10/1/5 = 10 × 5 km/h = 50 km/h। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या कहता है कि 5 किलोमीटर स्पीड घटा दिया गया, तो 50 - 5 km/h बराबर 45 किलोमीटर/h। अब क्या पूछा आपसे कि समान दूरी है, 10 किलोमीटर की दूरी है, 45 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से तय करनी है, समय कितना लगेगा, तो देखिए ये क्या हो गया, 5 × 10, 5 × 45 बराबर 2/9 आवर, और 2/9 आवर को कन्वर्ट कर लो, 2/9 × 60, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिनट मिनट में है, तो सब कुछ मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो ये आपका हो गया 3 × 3 = 6 = 40/3,
तृतीया 39, मतलब 13 मिनट कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। तो 13 मिनट कुछ सेकंड ये आपके सी में दिया गया है, तो 40 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े। 41 आपको दिया गया है, P, Q and R can do a work in 10 days, 5 days and 4 days respectively. Find the time taken by P, Q and R to do the same work together. देखिए, P, Q, R एक काम को क्रमशः 10, 5 और 4 दिन में करते हैं। अब सभी मिलकर साथ काम करेंगे तो बहुत ही सिंपल है ना। देखिए, P का कितना हो जाएगा 1/10, Q का कितना हो जाएगा 1/5, R का कितना हो जाएगा 1/4। ये आपका हो गया 20 और ये आपका हो गया 10 × 2 = 5, 4 × 5 = 4, 5 बराबर 11/20 काम। इतना काम वो एक दिन में करेंगे, तो काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसका उल्टा कर दो, 20/11 दिन। तो 20/11 कुछ दिया ही नहीं गया है, तो नन ऑफ डीज कर दो, उत्तर क्या हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 42 आपको दिया गया है, रमेश स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 30,000, 6 मंथ लेटर योगेश ज्वाइन बाय इन्वेस्टिंग 15,000, इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ मच इज शेयर ऑफ रमेश। क्या कहा जा रहा है कि एक काम जो है वह 30,000 रुपये लगाकर रमेश 12 महीने करता है, फिर 6 महीने बाद ये चला आता है, क्या नाम है इसका, योगेश, 15,000 रुपये देता है, 6 महीने काम करता है, कुल प्रॉफिट 10,000 है। ठीक है, तो ये देख लो आपका क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 15, तो 4:1 का अनुपात है 10,000 में। तो आपसे पूछा गया है रमेश के बारे में, तो रमेश का क्या हो जाएगा, 10,000 × 4, और कुल कितना हो गया, 4 + 1 = 5, बराबर हो गया 2,000 × 4 बराबर 8,000 रुपया जो है रमेश का हिस्सा होगा। ठीक है, तो 42 का उत्तर क्या हो जाएगा, 42 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 43 दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4, इफ वन नंबर इज 5/6 देन व्हाट इज द अदर नंबर। देखिए, दो संख्या का गुणनफल 5/4 है, तो 5/4 बराबर क्या हो जाएगा, 5/6 × 1 संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 5/4 × 6/5, इससे ये कट गया और ये आपका 2 × 2 = 6 बराबर 3/2 निकल कर चलाएगा, x इक्वल्स टू 3/2 आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 43 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आप देख लीजिए 44 दिया गया है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सर्कम सेंटर एंड एंगल ओ बी सी, ओ बी सी यह 25 डिग्री है, देन फाइंड द एंगल बी ए सी, इस एंगल को निकालना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें इस एंगल को निकालना पड़ेगा, इस एंगल को कैसे निकालेंगे, ये और ये बराबर है, तो ये 25 है, तो ये भी 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 − 25 + 25 = ∠BOC हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 180 − 50 = ∠BOC, तो BOC = 130 डिग्री हो जाएगा, और सर्वांग समता का नियम है कि यह एंगल क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल BOC, तो ये देखिए 130 × 1/2 कर दो, तो 65 आपका निकल के चला आएगा, जो कि एंगल BAC है। ठीक है, एंगल BAC, तो 65 डिग्री आपके बी में दिया गया है, तो 44 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 45 दिया गया है, जो कि मैथ का आखिरी प्रश्न है, और इसमें दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इन 21/15 = x/45। कहा जा रहा है कि 21/15 जो कि बराबर है x/45 के, तो क्या हो जाएगा, 15 × x = 45 × 21, 15 × 45 x इक्वल्स टू क्या हो गया, 3/63, 63 दिया गया आपके बी में, 45 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, मैथ आपका खत्म हो गया,
अब बारी है सेक्शन डी जो कि रीजनिंग है और इसमें आपके 5 प्रश्न हैं, तो चलिए सॉल्व कर देता हूं। अब यहां पर आपको दिया गया है डायरेक्शन वाला, तो एक ना डायरेक्शन बना लो, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या कहा जा रहा है कि ओरिजिन से जेट चलना शुरू करता है और 33 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ जाता है, 33 किलोमीटर नॉर्थ जब यहां जाता है, तो ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट। अब क्या कहा जाता है कि ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 19 किलोमीटर, वहां से यह बाएं मुड़ा और 19 किलोमीटर गया। फिर क्या हुआ, यहां पहुंचा, तो ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट। यहां भी पहुंचकर हुआ, फिर बाएं मुड़ा और फिर 33 किलोमीटर चल दिया, मतलब जहां से गया था उसी दिशा में 33 किलोमीटर। अब यह इस पोजिशन पे आ गया, जेड अभी यहां पर है और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, तो इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसकी बीच की दूरी ऊपर वाले के बराबर होगी, तो 19 किलोमीटर हो जाएगी। जेड जो है अभी वह ओरिजिनल पॉइंट से 19 किलोमीटर वेस्ट में है, ठीक है, 19 किलोमीटर वेस्ट। तो 19 किलोमीटर आपके सी में दिया गया है, तो 46 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है ना, मजेदार। आगे बढ़े, अब अगला देख लो आपका 47 दिया गया है। इफ पी मीन्स डिविजन, क्यू मीन्स एडिशन, आर मीन्स मल्टीप्लीकेशन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, देन फाइंड दिस। देखिए 42 आर, आर का मतलब क्या है, गुना, 13 पी, पी का मतलब क्या है, भागा, 39 क्यू का मतलब क्या है, जोड़, 11 एस का मतलब क्या है, घटा, 6। इसको सॉल्व करना है, तो 42 इंटू 13 बाई 39 प्लस 11 माइनस 6 39, 1/3 ये फिर से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो 14 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 25 माइनस 6 इक्वल्स टू 19 उत्तर निकल के चला आएगा, तो 19 आपके सी में दिया गया है, तो 47 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 दिया गया है, रमन इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रो, लेफ्ट और राइट, एक रो है इसमें से रमन जो है 18वें पोजीशन पे है, ठीक है, कुल संख्या 38 है, तो रमन दाई छोर से किस पे है, तो दाई छोर से पे क्या हो जाएगा, 38 माइनस 18 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 21, 21वें स्थान पे है दाएं छोर से, तो 21वां आपके बी में दिया गया है, तो 48 का उत्तर बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब ये देखिए मजेदार प्रश्न है, इसमें आप देखना कि दो दो का सीरीज दिया गया है, दो दो का सीरीज दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ए ए सी सी, बी बी ए ए सी सी, यहाँ पर बी है तो बी बी ए ए सी सी बी बी, क्या पढ़ा आपने, सी ए बी सी बी, सी ए बी सी बी, सी वाला उत्तर हो जाएगा, बहुत ही आसान है ना। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए 50वां दिया गया है और इसमें क्या है कि सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी भाई है, ठीक है, ब्रदर भाई है। फिर कहता है बी इज डॉटर ऑफ ए, बी जो है वह डॉटर है, बेटी है, ठीक है, ई इज सिस्टर ऑफ सी एंड डी, ई जो है वह बहन है, किसकी, सी की और डी की भी, ठीक है, ई बहन है, बहन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये लड़की हो गई, ये लड़की हो गई, ये दोनों आपस में भाई हो गए, तो प्रश्न में क्या पूछता है, हु इज सन ऑफ ए, एक ही बचा भैया, ए और डी, ठीक है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा, 50 का उत्तर बी हो गया, ठीक है, ए डी का बेटा होगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पहला सेट अग्निवीर जीडी का खत्म होता है। और यदि आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करेंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, यदि एक साथ बहुत सारा सेट खरीदना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप स्टोर से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको फ्री पीडीएफ के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो बने रहिए, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो देखिए फ्री वाला पीडीएफ आपको इस प्रकार से मिलेगा, जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, वहां हमने लिंक डाल रखा होता है, आपको वहीं जाना है,
देखिए फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए है। इसको भी मैं ओपन कर देता हूं और ये आपका फ्री पीडीएफ है, ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे studyinupdates.com पे, और यहां पर आप देखोगे वही चीजें मैंने डाल भी दी है उत्तर के साथ। यदि आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हो, या इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही आपका जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रिंट करके सेव कर लो, यदि फोन में ओपन करते हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ये तरीका होता है। उसके बाद आपको यदि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बना दिया गया है। यदि आप देना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ इस पे जाना है, ठीक है, मॉक टेस्ट वाले पे, फ्री मॉक टेस्ट पे जाना है। इस पे गए, ये खुलेगा, अब आप यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन उत्तर है वो इस प्रकार से आता चलेगा, ठीक है, और लास्ट में आपको नाम और ईमेल आईडी, नाम और ईमेल आईडी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सीरियल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यह रिजल्ट एनालाइज करके दे देगा, पूरा का पूरा रिजल्ट। देखिए इस प्रकार से मैंने दो प्रश्न लगाया, दोनों सही है तो 100 में से 4 नंबर मिले। अब मैंने क्या अटेंड किया वो आपको बता देगा, यदि मैंने अटेंड नहीं किया तो वो भी आपको बता देगा, यू हैव नो टेंशन। तो इस प्रकार से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, फ्री पीडीएफ के भी और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट के भी। और ध्यान रखिएगा यह सीरीज चलता रहेगा और इस सीरीज में अग्निवीर से जुड़े हर प्रश्न आएंगे, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फायदा हो सके।